सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पर्सन बताऊंगा जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब लॉ की नज़र में आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो वो आपकी खुद की सरदर्द है, आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, जाके पुलिस में कोर्ट में उनके बारे में कुछ भी आप रिपोर्ट वगैरह केस वगैरह नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले आ जाती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ना एक होता है एमओए, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कितना उसका कैपिटल है, कितनी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकती है, किस से रिलेटेड वो काम कर सकती है। तो ये सारा कुछ लिखा होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी जो उसके एमओ में लिखा है उससे हटकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो उसके कॉन्ट्रैक्ट जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखा है उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे एक कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है तो आप उस कंपनी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जमीन का कोई लैंड वगैरह का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का जो एमओ है उसमें लिखा है ये सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करेगी, इससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, तो आप उसे लैंड का जो है प्रॉपर्टी का कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो इस तरह का ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, मतलब इस तरह की कंपनी के साथ आप जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बियॉन्ड हट के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होगा। अगर करते भी हैं तो फिर आप उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते। आपने उसे पैसे दे दिए, उससे ज़मीन खरीद लिया, अगर वो ज़मीन आपको नहीं दे रही तो आप रिकवर नहीं करवा सकते केस करके, आपको पैसे भी नहीं दे रही वो, तो क्यों, क्योंकि आपने उसका एमओए रीड करना था ना, वो आपकी गलती, आपने उसका एमओए क्यों नहीं रीड किया, वो तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। आगे देखिए, सेकंड पे आ जाता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी में ये होता है कि अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया, अगर पाकिस्तान इंडिया की आपस में वार चल रही है तो आप इंडिया में रहते हैं तो आप पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कंट्री जिसके साथ आपकी वार चल रही हो उसके किसी भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालिफाइड होगा लॉ की नज़र में। थर्ड पे आ जाता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जेल वगैरह में है, वो खुद कैदी है तो वो खुद आज़ाद नहीं है, तो आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पे आ जाता है प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन में देखें, जो गवर्नमेंट के, जो किसी कंट्री के नुमाइंदे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई जो वजीर वगैरह होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गया, या आप देखते हैं जो हमारे कंट्री के अंदर एम्बेसी वाले होते हैं, आउट ऑफ कंट्री से जो आए होते हैं, आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लॉ है, जो आउट ऑफ कंट्री से एम्बेसी वगैरह के जो नुमाइंदे हैं, जो दूसरी कंट्री को हमारे कंट्री में आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ पे आ जाता है इनसॉल्वेंट। देखिए, इनसॉल्वेंट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है उसके पास पैसे नहीं है, लाइक वो इनसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है उनको पूरा करने के लिए, लाइक उसने एक पर्सन है, उसने लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपये का बैंक से, तो वो अभी उसको 1 लाख रुपये का बैंक लोन नहीं दे पा रहा, तो अभी उसके ऊपर केस चल रहा है, बैंक ने उसके ऊपर केस कर दिया कि ये हमें 1 लाख रुपये का लोन नहीं दे रहा। तो ये जो केस का ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है ना, उस टाइम के अंदर भी आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जब तक वो सॉल्वेंट नहीं हो जाता, उसके पास पैसे वगैरह नहीं आ जाते, उससे केस ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसके बाद आप उसके ऊपर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनसॉल्वेंट के ड्यूरेशन के अंदर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनका, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।